नमस्ते। विश्व में भारत एक महान देश है जिसकी विविधताओं में एकता छिपी हुई है। फिर भी कुछ कड़वे विचार वाले लोग और कुरीति वाले लोगों के कारण हमारे देश के लोगों में भेदभाव का चलन चलने लगा है, जिसके कारण कुछ लोग इन भेदभाव के कारण दुखी है। आज हम जहीर कुरैशी जी लिखित सौहार्द सोमनस्य इस पद्य का अनुभव लेने वाले हैं, जिस पद्य में उन्होंने कहीं दोहे बताए हैं, जिन दोहों में नफरत, स्वार्थ और भेदभाव से जो हमारे समाज का नुकसान हो रहा है उसे सुधारने की कोशिश करने के लिए हमें प्रेरित किया गया है। इन भेदभावों को हमारे जीवन से नष्ट करके हमारे देश में जो विविधताएं हैं, उन्हीं विविधताओं के कारण हमारा देश एक कैसे है, इस बात को कुरैशी जी ने हमें समझाने का प्रयत्न किया है। प्रस्तुत पद्य की तरह ही कुरैशी जी की कई कृतियां मशहूर है, जिनमें एक टुकड़ा दूध, लेखनी का स्वप्न, चांदनी का दूध, इस तरह की कई कृतियां है जो समाज के लिए प्रेरणादायी है। उनमें से ही आज हम सौहार्द सोमनस्य इस प्रेरणादायी दोहों का अनुभव लेने वाले हैं। तो चलो आज पढ़ते हैं सौहार्द सोमनस्य।